हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारा सॉफ्टवेयर है अडोब इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर किस लिए यूज़ किया जाता है? ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसके अंदर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैनर्स वगैरह बनाने हो, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बनाने हो, किसी भी कंपनी या फिर किसी भी चैनल वगैरह का लोगो वगैरह क्रिएट करना हो, तो वो सारे काम आप अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर कर सकते हैं। अब आप अडोब इलस्ट्रेटर का कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल या इंस्टॉल हो, ठीक है। हमारे पास जो वर्जन है वो है अडोब इलस्ट्रेटर CC, ठीक है। वो हम पोर्टेबल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर ना कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत होती है, ना कोई की वगैरह मांगता है। बाकी सब जो वर्जनस होते हैं उनके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और की वगैरह देनी पड़ती है। तो हम सबसे पहले अपना अडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसे ओपन कर लिया, ठीक है। अभी हमारे पास अडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर की फाइल आ गई है, अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। आज हमारा अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर का नाम है शेप रोटेशन। इस तरह से हम शेप्स के ऊपर रोटेशन करके उनको अलग अलग इफेक्ट से अलग अलग कलर देकर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नया काम करना है, शेप्स के ऊपर काम करेंगे। तो उसके लिए हमें नया पेज चाहिए होगा। तो न्यू पेज लेने के लिए हम यहाँ से फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे न्यू, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N, ठीक है। न्यू सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी फाइल का कोई भी नाम वगैरह सेट कर सकते हैं, प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड सेट कर देंगे, उसके बाद साइज वगैरह सेट कर देंगे, वेदन हाइट सेट कर देंगे, और मार्जिन सेट करने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये आपकी न्यू पेज की सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसी सेटिंग के साथ आपका नया पेज आ जाएगा। मैं यहाँ से हैंड टूल ले रही हूँ। हैंड टूल लेने के बाद मैं पेज को अपनी स्क्रीन पे सेट कर रही हूँ, जहाँ मैं आसानी से इजीली काम कर सकती हूँ। तो हम अपना आज का लेक्चर नंबर 3 शेप रोटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे फिल कलर है इसे ऊपर लेकर आएंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे, और यहाँ से हम ब्लैक आउटलाइन कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी शेप लेकर ड्रॉ कर देंगे। जिस तरह से मैं रेक्टेंगल टूल लेकर इसे ड्रॉ कर रही हूँ, रेक्टेंगल टूल लेंगे और इस तरह से इसे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने स्टार लोगो बनाया था, तो उसके अंदर आपने लाइन टूल का इस्तेमाल करके अपनी शेप को डिवाइड किया था पार्ट्स के अंदर, तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट टूल ले लेंगे, जिसकी शॉर्टकट की स्लैश है। अब यहाँ मिड पॉइंट से लेकर शेप के बाहर तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद देखें, हम इस तरह से लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि हमें एंगल पता नहीं चलेगा कि हम कितने एंगल पे ड्रॉ करें। लास्ट टाइम तो हमने स्टार लोगों के कॉर्नर्स पे इस तरह से ड्रॉ किया था, लेकिन मैं इसको ज़्यादा चाह रही हूँ, मैं इसको इसके ज़्यादा, ये जो रेक्टेंगल टूल है इसको ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करना चाह रही हूँ। अगर सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पर करेंगे तो वो फिर 4 to 5 इस तरह से आपके पास पार्ट्स बनेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा चाह रही हूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से हम आज यूज़ करेंगे रोटेट टूल, जो कि हमारी शेप रोटेशन को डिज़ाइन करने में काम आएगा। रोटेट टूल ले लेंगे, जिसकी शॉर्टकट की R। रोटेट टूल लेने के बाद आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से ऑल्टर प्रेस करेंगे और ये जो लाइन का कॉर्नर है नीचे वाला, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास रोटेट टूल की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। इन प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप यहाँ पर एंगल सेट करेंगे कि आपकी लाइन जो है वो कितने एंगल में रोटेट हो। मैं 20 सेट कर रही हूँ, ठीक है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाएगा, और फिर यहाँ से हम कॉपी पे क्लिक कर देंगे तो 20 एंगल के साथ हमारी जो लाइन है वो कॉपी हो जाएगी। अब हमने मज़ीद और लाइन इसी एंगल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करवानी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करेंगे। एक बार रोटेट टूल यूज़ करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपकी 20 एंगल के अकॉर्डिंग लाइंस जो हैं वो कॉपी होती जा रही हैं। अब इस तरह से हमने लाइंस ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है, पूरी शेप को सिलेक्ट करना है। यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे और इस तरह से हम शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। अब शेप को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, पाथ फाइंडर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जो हमने यहाँ पर खोल के रखी हुई है, जिसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर के अंदर खोलना ओपन करना बताया था। यहाँ से पाथ फाइंडर वाली प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ से आप डिवाइड पे क्लिक कर देंगे तो आपकी शेप का हर पार्ट क्या हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी पार्ट पे डबल क्लिक करेंगे और उसके अंदर हम कलर फिल करके जाएंगे। आपकी मर्जी, आप
एक कलर एक मतलब एक या दो कलर का मिक्सचर रख लें या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स देते जाएं, वो आपकी मर्जी है। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आप वन बाय वन किसी एक एक पार्ट पे डबल क्लिक करते जाएंगे, और डबल क्लिक करने के साथ साथ आप उसके अंदर क्या करते जाएंगे, कलर फिल करते जाएंगे अपने। ठीक है, इस तरह से आप क्या करते जाएंगे, वन बाय वन पार्ट सेलेक्ट करते जाएंगे और उसके अंदर कलर फिल करते जाएंगे। से आपने क्या कर लिया, पूरी शेप में कलर फिल कर लिया। अब अगर आप चाहें तो एंड में आप इस कलर को फिल करने के बाद इसकी आउटलाइन क्लोज भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप आउटलाइन को रख के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे पूरी शेप को पॉइंटर टूल लेके या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके, और यहाँ से आप क्या करेंगे, आउटलाइन को ऊपर लाके क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से भी आप अटैक दे सकते हैं। उसके बाद पूरी शेप सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। अब मैं आपको दूसरी शेप पर भी इस तरह से अप्लाई करना बताऊँगी। यहाँ से कोई भी आप दूसरी शेप ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आउटलाइन को क्लोज कर देना है और ब्लैक फिल कलर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, शेप को ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद आपने वही क्या करना है, लाइन सेगमेंट टूल लेना है और सेंटर पॉइंट से लेकर आउटसाइड तक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ से आपने क्या करना है, रोटेट टूल लेना है, कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके डॉट पे क्लिक करेंगे, 20 एंगल सेट कर दिया, प्रीव्यू पे क्लिक और कॉपी पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल डी से मोर कॉपीज बना लेंगे, पॉइंटर टूल लेके पूरी शेप को सेलेक्ट करके यहाँ से पाथ फाइंडर वाली प्रॉपर्टीज में जाकर डिवाइड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अब जैसे मैंने एक पार्ट को सिलेक्ट किया, अब एक पार्ट को छोड़ के दूसरा सिलेक्ट करना है, तो पहले वाले से सिलेक्शन का और ये रिमूव, तो मैं क्या करूँगी, एक पार्ट को डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लूँगी। इसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट, इस तरह से हम एक एक पार्ट छोड़कर उससे नेक्स्ट वाला पार्ट सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर देंगे, उसके अंदर कलर फिल कर देंगे। इसी तरह हम इस पर क्लिक करेंगे, बीच में जो पार्ट रह जाएंगे इन पर क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के बाकी ब्लैंक पार्ट्स जो हैं उसी के साथ सेलेक्ट कर लेंगे कीबोर्ड से लेफ्ट क्लिक करके। ये मैं आपको दो पैटर्न्स का मिक्सचर बता रही हूँ कि किस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, पूरी शेप को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप करके रख सकते हैं। इसकी आउटलाइन मैंने क्लोज नहीं की, आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, इसी तरह हम फिल कलर को दोबारा क्लोज करेंगे, कोई भी आउटलाइन कलर ले लेंगे, और उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, एलिप्स टूल लेंगे, इसकी शॉर्टकट की एल है, और इस तरह से इसे ड्रॉ कर देंगे। अब हम लाइन टूल का यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको अब यहाँ पे पेन टूल का यूज़ करके बताऊँगी किस तरह से आप पेन टूल के ज़रिए भी इस तरह की लाइंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पेन टूल जिसकी शॉर्टकट की है पी, और ये जो आपको सेंटर डॉट नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लिक करेंगे इस तरह से मूव करेंगे, कर्व लाइन इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से ऐसे, और लास्ट में हम स्केप का बटन दबा देंगे। फिर यहाँ से हम पॉइंटर टूल सेलेक्ट करेंगे, ये जो पूरी लाइन है इसे सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जी से इसे ग्रुप कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा रोटेट टूल लेंगे, ठीक है, कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे और ये जो पेन टूल से आपने लाइन ड्रॉ की है इसकी कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, माउस से लेफ्ट 20 एंगल सेट करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉपी पे क्लिक कर देंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। फिर कंट्रोल डी से आप मज़ीद इसकी और मोर कॉपीज बना लेंगे। अब आप देखें पेन टूल से आप अपनी लाइन्स का जो शेप है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइन टूल से स्ट्रेट लाइन आती है और पेन टूल अगर यूज़ करेंगे तो उसमें आप अपनी मर्जी से कर्ली लाइन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंटर टूल सेलेक्ट करेंगे, पूरी शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पाथ फाइंडर वाली प्रॉपर्टीज़ में जाकर डिवाइड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी एक पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करके फिर शिफ्ट प्रेस करके उससे एक एक पार्ट छोड़ के नेक्स्ट सेलेक्ट करते जाएंगे। और यहाँ से आप कोई भी फिल कलर कर देंगे, जैसे आप जो ब्लैंक पार्ट है उनको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से कोई दूसरा फिल कलर कर देंगे, जैसे अगर आपको सिर्फ दो कलर्स देने, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके इसकी आउटलाइन क्लोज कर दें और चाहे तो ऑन रखें। आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे शेप और कंट्रोल जिससे आप इसे क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। उसका साइज वगैरह सेट कर लेंगे, सही। तो ये आपका आज का Adobe Illustrator का लेक्चर नंबर 3 डिज़ाइन शेप रोटेशन कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मज़ीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।